चीन, जो ताइवान पर दावा करता है और यदि आवश्यक हो तो उसे बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी दी है। उसने द्वीप की अपनी यात्रा को उकसाने वाला कहा और ताइवान के आसपास के 6 क्षेत्रों में मिसाइल फायरिंग सहित सैन्य अभ्यास शुरू किया। यह केवल कहने के बारे में था, चीन दुनिया के सबसे स्वतंत्र समाजों में से एक है, इसे मुझसे मत लो, वह फ्रीडम हाउस से है, यह एक मजबूत लोकतंत्र है, साहसी लोग, पेलोसी ने साक्षात्कार में कहा। वीडियो जल्द ही वायरल हो गया और उसके बयान ने कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का ध्यान खींचा। https://ktco.acl/wakubu.drew-hammill@drewhammill9/August/2022। पेलोसी की ताइवान यात्रा ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच एक हाई वोल्टेज ड्रामा को जन्म दिया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की जीभ फिसल गई थी क्योंकि उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में चीन को दुनिया के सबसे स्वतंत्र समाजों में से एक कहा था। पेलोसी अपनी ताइवान यात्रा से लौटने के एक सप्ताह बाद एक टीवी समाचार चैनल पर यह टिप्पणी की।